हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। क्लास टेंथ वाले का यानी कल संस्कृत है। ये जो है सेकंड टर्मिनल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कल आप लोगों का जो है संस्कृत है, यानी 24 सितंबर से आपका संस्कृत है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है संस्कृत का, भूल भूलैया मत रहे कि ये जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं, द्वितीय शाब्दिक परीक्षा 2022। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से हम जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सहित तैयारी करवा रहे हैं, जो कि आप पिछले वाला वीडियो में भी देख चुके हैं। तो आइए मेरे डियर स्टूडेंट, फटाफट जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ करेंगे। और यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत इजी सब क्वेश्चन पूछा है, स्वर संधि के मुख्य भेद कितने हैं। स्वर संधि के मुख्य भेद कितने हैं, तो इसका भेद कितना है, तो आप लोगों को पता ही होगा। टोटल का टोटल आपको यहां पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सहित आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो में एंड तक आपको बने रहना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी 5 भेद है। कितने भेद है, 5 भेद, ठीक है। यहां पर जपाया हुआ तो 5 भेद यहां पर। इसके बाद पवन किस संधि का उदाहरण है, पवन जो है किस संधि का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयदी ऑप्शन इसका यानी डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए अगर हम बारीकी से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो बहुत समय लगेगा, कम से कम आधा घंटा का वीडियो बनेगा मेरे डियर स्टूडेंट। लास्ट में जो है सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव क्लियर करवा देते हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट ही आपको वीडियो को एंड में दे देंगे, आप उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट में। आप देख सकते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, ये सब्जेक्टिव है जो खंड और में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो है देख सकते हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये अ का जो है अ में 2 क्वेश्चन है, फिर यहां पे अ में ख का 2 क्वेश्चन है, इस तरीके से आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले आपको जो यहां पे देखना है बारीकी से, और कॉपी निकाल के ध्यान पूर्वक आपको जो है लिख लेना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का अ नंबर, यानी यहां पे लिखा रहेगा क का 1 में एक पदेन उत्तरत, तो आपका वहां पे क्वेश्चन रहेगा केशाम निर्माण कार्य प्रचलति, ये जो क्वेश्चन रहेगा तो आपको उत्तर में देना अमेरिका देशे सैनिकानम ऑप्शन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला 1 नंबर का रोमन में, ये आपको देना है 1 नंबर का क का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा क का दूसरा में कहेगा कि अश्वारोही कम अवदत, इसलिए क्वेश्चन बोल रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो, ठीक है। ये भूल भूलैया में ना रहे कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ही मेरे डियर स्टूडेंट हम सॉल्व किए हैं अपने हाथ से, ताकि एक भी गलती ना हो, ठीक है। तो ये जो है आपको कंप्लीट कर लेना है पूर्ण रूपेण से, आपको जो है 100 का 100 क्लियर करवाएंगे पूर्ण। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का आंसर देना आपको पूर्ण रपि यदा आवश्यकता भवेत स्वदेशस्य, ये रहा आपका, यहाँ से उतार सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे अ का ख में आपको आना है, तो पहला में आपको कहेगा कि अश्वारोही कह आसित, आपको आंसर में लिखना अश्वारोही एक देश भक्त आसित स अमेरिका देश सैनिकानम सहायतायाम आगछत, बस ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद देखिए ख का 2 में क्वेश्चन रहेगा आपका, कहेगा अश्वारोही सेनानायकम किम अवदत, तो आपको आंसर देना है यहाँ पे अश्वारोही सेनानायकम अवदत पुनरपि यदा आवश्यकता भवेत स्वदेशस्य राष्ट्रपति समृता, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। ये ख का 2 में आपको लिखना है, फटाफट स्क्रीन शॉट लेते जाइए। ये जो है सही आंसर आपको बना के दिए हैं, इधर उधर से आंसर लेते हैं तो आपको गलती पकड़ा जाएगा आंसर, इसलिए जो हम अपने से तैयार करके आपको बहुत मेहनत लगा तैयार करने मेरे डियर स्टूडेंट। ये ओरिजिनल पेपर का ही आंसर हम तैयार किए हैं, ऐसा नहीं कि आप पेपर दिखाएंगे तब आपको विश्वास होगा, क्योंकि स्कूल का टीचर है जो, उसका कहना था कि पेपर को नहीं दिखाना, ठीक है, क्योंकि वो पकड़े जा सकते हैं। तो यहाँ पे गौ में रहेगा, ओ का गौ में रहेगा आपका क्वेश्चन, कहेगा अस्य गधांशे एवं समुचितम शीर्षक लिखत, तो आपको आंसर देना है देशभक्ति है ऑप्शन इसका, यहाँ पे गौ का यहाँ आंसर है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे बौ में आना है, यानी बौ में खंड बौ में यहाँ पे आना है, तो बौ का क में रहेगा, यानी
असाधारणी, आपको ये देना आंसर। अब क्वेश्चन में कहिएगा क्या रहेगा, वो का कहेगा संकनस्य स्मरण शक्ति कीदृशी, तो आपको ये लिखना है, ठीक है, असाधारणी। इसके बाद आपको कहेगा यानी ब का क का दूसरा में क्या कहेगा, जागरूका भूतवा कास्य प्रयोग कर्तव्य, तो आपको देना है यहाँ पे संगणकस्य, क्या देना है संगणकस्य, ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ख में, ठीक है, तो यहाँ पे ब का ख में आपको देना है, तो उसमें कहेगा ख में कहेगा पूर्ण वाक्य उत्तरत, ठीक है, तो किम अनलंसम कार्य करोति, तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, संकनम अनलसम अविरतम च कार्यम करोति, ये लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ख का दूसरा में आपको कहेगा, ख का दूसरा में संकनस्य व्यापक प्रभाव कुत्र अस्ति, तो आपको आंसर में लिखना है मुद्रान संचार सैन्य चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्रेषु संकनस्य व्यापक प्रभाव, ये आपको लिख देना मेरे डियर स्टूडेंट। और यहाँ से ले करके आप एक बार हम जो है स्वाइप कर देते हैं ताकि आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले सके। चलिए आंसर का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, फटाफट आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से हम दोहरा देते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दो का हम तीन तीसरा सॉल्व किए हैं, ठीक है। तीसरा में कहेगा कि अपने मित्र के पास कक्षा में प्रथम आने की सूचना हेतु पत्र संस्कृत में लिखें, ठीक है। दूसरा में कहेगा मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पिता को एक पत्र संस्कृत में लिखें, तो इस टाइप से आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, मित्र के विवाह में क्या लिखा गया है, मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए, ठीक है, तो ये दूसरा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो का दूसरा है, इस गलती से तीन नंबर लिखा गया, तीसरा में रहेगा अपने मित्र के पास लिखने के लिए, ठीक। तो यहाँ से लेके देखिए, मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पिता को एक पत्र संस्कृत में लिखें, प्रिय मित्र सुरेश स्वप्रेम नमः, यानी नमस्कार, यहाँ पे अपना बैठा दीजिएगा सब चीज़, ठीक है, जो स्कूल है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जितना चीज़ हम लिखे, अत्र अहम सकुशलम अस्मि भवतः, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ने में ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो स्वैप करते जाते हैं एक बार फिर से हम स्वैप कर देते, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए एक बार और ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलिए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड तक आपको बने रहना क्योंकि वीडियो के एंड में आपको ऑब्जेक्टिव भी आंसर शीट मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चार में आना है, क्वेश्चन नंबर चार में देखिए छह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो कि वाक्य बनाने के लिए कहा जाता है। तो कहेगा कि यहाँ पे एक नंबर का सॉल्व किए, मेरा घर नहीं मेरा नाम श्याम है, तो यहाँ पे आपको लिखना मम नाम श्याम अस्ति, ठीक है, ये चीज़ लिखना है आपको। इसके बाद दूसरा में रहेगा मैं पटना में रहता हूँ, तो अहम पाटलिपुत्र निवासमी, ये आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम जो है छः का सॉल्व किए, पेड़ से पत्ता गिरता है, जो यानी इजी था उसी सब को सॉल्व किए, वृक्षात पत्रम पतति। इसके बाद रहेगा नौ नंबर में कहेगा यानी घर के दो तरफ जो है वृक्ष हैं, तो यहाँ पे लिखना है गृहम उभ्यतः वृक्षा संति, दोनों तरफ के लिए जो है उभ्यतः का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पाँच में यहाँ पे सॉल्व किए जो सब बना है, राम घर जाता है, तो लिखना राम गृहम गच्छति, ठीक है। इसके बाद तीन नंबर में रहेगा आपका मेरी माँ गृहिणी है, तो मम जननी, माँ का संस्कृत जननी गृहिणी भवति, ये रहा आपका यानी चार तक आपका कंप्लीट हो गया। अब बात आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पाँच में, तो क्वेश्चन नंबर पाँच में मेरे डियर स्टूडेंट क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा नरक के द्वार कौन कौन से हैं, लिख लीजिए आप कॉपी में फटाक से, पानी आ गया है, ठीक है, इसी वजह से। पंडित कौन कहलाता है, दूसरा, तीसरा में रहेगा मूर्ख कौन है, इसलिए बता दे ताकि आप भी आंसर यानी घर पे बना सकते हैं। कर्मवीर के कौन कौन से गुण लोगों को आकर्षित करते थे, ये आंसर जो बच गया है क्वेश्चन नंबर पाँच का आठ गो क्वेश्चन, ये जो है आपको सुबह में मिल जाएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले टेलीग्राम पे भी, ठीक है। इसके बाद पाँच में रहेगा कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, छः में रहेगा राम प्रवेश को किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त हुआ, सात में रहेगा स्वामी दयानंद ने कब और कहाँ आर्य समाज की स्थापना की, आठ नंबर क्वेश्चन में रहेगा स्वामी दयानंद द्वारा किन किन सामाजिक बुराइयों का विरोध किया गया, बस आपको आठ ही क्वेश्चन बनाना है, सोलह नंबर का ये है,
तो जितना भी क्वेश्चन हम मुँह से बोले हैं सबको आंसर बना लीजिएगा, अगर नहीं बना पाइएगा तो हम आंसर इसका बना के देंगे आपको। चलिए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये रहा संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट, ये 100% सही आंसर शीट है, ठीक है, क्योंकि अपने से इसको तैयार किया गया है। एक का डी में देना है, दो का डी, तीन का ए, चार का सी, पाँच का ए, छः का सी, सात का ए, आठ का बी, नौ का बी। एक मिनट रुक जाइए मेरे डियर स्टूडेंट, एक जो आपको जो है निबंध बचा है, निबंध भी आपको लिखाएंगे। होलिका उत्सव पे निबंध बनी पूछा गया आप लोगों को, ठीक है, तो होलिका उत्सव पे आपको निबंध भी लिखा देंगे। निबंध में आपको 7 नंबर मिलता है, 7 लाइन लिखना, वो भी लिखाएंगे आपको। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, आप लोग अधूरा वीडियो देखते हैं। चलिए, 6 का C, 7 का A, 8 का B, 9 का B, 10 का A, 11 का B, 12 का B, 13 का C। चलिए, इसके बाद यहाँ पे 14 का C, 15 का C, 16 का A, 17 का D, 18 का B, 19 का A, 20 का C, 21 का A, 22 का A, 23 का D, 24 का B, ठीक है, फटाफट आप कॉपी में लिखते जाइए मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पे 25 का A में, 26 का B में, 27 का B में, 28 का A में, 29 का A में, 30 का A में, 31 का B, 32 का D। चलिए, ये 100% आपका सही आंसर है। 33 का B, 34 का B, 35 का A, 36 का B, 37 का D। चलिए, इसके बाद यहाँ आप देखिए, यहाँ पे दिया गया 38 का A, 39 का C, 40 का D, 41 का D, 42 का A, 43 का C, 44 का B, 45 का जो है C, 46 का B, 47 का A, 48 का B। इसके बाद 49 का A, 50 का B। 100% जो है ये क्वेश्चन आपका, जितने भी ऑब्जेक्टिव बताएं एक भी ऑब्जेक्टिव इनमें से आपका गलत नहीं जाएगा, टोटल का टोटल सही है, 50 में 50। आपको संस्कृत में भी 100 नंबर लाना है, ठीक है, और स्कूल में अच्छा खासा सबसे आगे रहना है। चलिए, अब होलिका उत्सव पे आपको एक बार लिखा देते हैं, जो कि बहुत सारा पे पूछा गया है। एगो पुरेगा गुरु भक्ति पे, पुष्ट वाटिका पे, वायुयानम पे और परोपकार पे, हमने यहाँ पे होलिका उत्सव पे मतलब लिख के लाए हैं। चलिए, ठीक आंसर करवाए हैं मेरे डियर स्टूडेंट। इनमें बात रहा 8 गो क्वेश्चन जो बचा है, मतलब 2 नंबरा 8 गो क्वेश्चन, 8 × 16 नंबर का, वो भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। मान के चलिए 100 में आपका 16 न कम है, वो अपने से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पहले बता दिए, नहीं तो हम सुबह में देवे करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एकदम धक्का धक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।